तो मैंने आपको पहले सिलेबस दिखाया था कि किस तरह से हम सिलेबस में जो इंसिटिव के बारे में यानी टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैं करवाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप के बाद पे हम सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है सिलाई क्या होती है, व्हाट इज़ स्टिचिंग। तो सिलाई, सीविंग या स्टिचिंग जिसे बोलते हैं, तो सिलाई किसी कपड़ा, चमड़ा, फर या किसी अन्य लचीली वस्तु को, फ्लेक्सिबल मटेरियल जो होती हैं उसको आपस में सुई एवं धागों की सहायता से बांधना। अगर आप किसी सुई की सहायता से किसी कपड़े की फटी हुई या फिर आप कटिंग करके सिलते हैं तो उसे हम सिलाई कहते हैं। दूसरा इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि सिलाई में कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत में आती हैं। तो ये बेसिक में पहले मैं आपको ये बता रही हूँ जो हमारा कोर्स है, तो बेसिक में आपको ये सब पता होना चाहिए कि सिलाई क्या होता है और सिलाई में कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरत में आती हैं। जैसे सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैंची, इंची टेप जैसे मेजरिंग टेप बोलते हैं, सुई, धागा, छोटे कपड़ों के कतरन की जरूरत पड़ती है सीखने के लिए, हुक होता है, न्यूज़पेपर्स पड़ेंगे आपको ज़रूरत, और ये मार्का, पेपर वाला जो मार्का होता है, मार्का पेपर वाला होता है, और एक क्लॉथ वाली होती हैं। तो और उसका स्केल सीधी लाइन डालने के लिए, जो आप बेसिक अगर सीख रहे हैं तो आपको ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप ये स्टिचिंग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बेसिक करेंगे तो आपको छोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से आप उसमें हेम सिलाई सीखें, उसमें हुक डालना सीखें। तो न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर उसकी जो डिज़ाइनिंग कटिंग करनी है वो सीखने के लिए मार्का पेपर पे आपको बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप जो क्लोथ वाली कपड़े की जो होती है ना मार्का, वो पेपर पे नहीं चल पाती है, इसलिए आपको मार्का पेपर वाला चाहिए और कपड़े वाले भी मार्का चाहिए और स्केल सीधी लाइन डालने के लिए चाहिए। अब नंबर हमारा 3 क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा टॉपिक 1 के लिए है कि मेजरिंग टेप, इंची टेप क्या है, क्या होता है इंची टेप, इंची टेप को हम क्यों यूज लाते हैं। देखिए, इस इंची टेप को जो मेजरिंग टेप होता है उसका उपयोग हम किसी वस्तु के आकार या वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे छाती, कमर, ऊंचाई, सिलाई, क्राफ्टिंग और कई चीज़ों को, जैसे कि आप चेस्ट नापते हैं, कमर नापते हैं, उसलिए ये इंची टेप की जरूरत पड़ती है। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें इंची टेप की जरूरत पड़ती है। अब जो हम आज फर्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा बेसिक था, फर्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो हमारा फर्स्ट यानी पार्ट जो स्टार्ट होगा वो इंची टेप से रिलेटेड होगा। तो ये आपके जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं कि सिलाई क्या होती है, सिलाई में कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत में आती हैं और मेजरिंग टेप क्या है। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें होगी कि मेजरिंग टेप क्या है, यानी कि मेजरिंग टेप के बारे में रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि इंची टेप के बारे में जितने भी रूल्स हैं और इंची टेप के साथ में से समझाऊंगी। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी इसमें डाउट है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। हम इस चैनल में आपको सिलाई और साथ में बुनाई से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको बुनाई में कुछ सीखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।